भोपाल कांग्रेस विधायक दल की बैठक के अवसर पर सभी कांग्रेस विधायक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय भोपाल में उपस्थित हुए। साथ ही नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर चर्चा की गई। अब देखना होगा आलाकमान किस ये जिम्मेदारी दे सकता है। इस मौके पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद एवं कई और बड़े नाम देखने को मिले। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पारित किए गए लाउड स्पीकर के फैसले पर भी चर्चा की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जो स्वयं से लिया गया है, ये हाई कोर्ट के निर्देश थे। यदि प्रदेश की जनता के लिए कोई अच्छा निर्णय लिया जाता है तो बिल्कुल कांग्रेस उसका स्वागत करती है। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण विधायक दल की बैठक थी और इस विधायक दल की बैठक में आज सभी विधायक यहाँ उपस्थित थे, वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे, AICC के सारे इंचार्जेस यहाँ आए हुए थे, रणदीप सुरजेवाला जी थे, अपने जितेन भगत सिंह जी थे और सबने ये विधायकों ने चर्चा करी और एक प्रस्ताव पारित करा है जिसमें हाईकमान पर फैसला छोड़ा है। जो भी नेता प्रतिपक्ष का वो निर्णय लेंगे पूरी ताकत से हम उसके साथ रहेंगे। सर, क्या लगता है हाईकमान के फैसले क्या होंगे और नेता प्रतिपक्ष किस पर जुड़ा है? देखिए, हाईकमान जो भी फैसला लेगा बहुत सोच समझ कर लेगा, सारे समीकरण को ध्यान में रखते हुए लेगा। अभी व्यक्तिगत रूप से भी सारे विधायकों से रणदीप सुरजेवाला जी और जितेंद्र भगत सिंह जी व्यक्तिगत रूप से सभी विधायकों से भी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से चुनाव हारे, क्यों चुनाव हारे, क्या चीजें कमी रह गई और लोकसभा चुनाव किस तरह से ताकत से जीत सकें, उन सब पर चर्चा हो रही है। और मैं मानता हूं कि जो भी निर्णय हाईकमान लेगा ताकत से हम लोग उसके साथ हैं। एक विपक्ष के रूप में जनता ने हमको संघर्ष करने का आदेश करा है, पूरी ताकत से हम संघर्ष करेंगे। पहले सड़कों पर संघर्ष करते थे, आज सदन से लेकर सड़कों पर सब पर संघर्ष होगा। सर, पहले जिस तरह से कांग्रेस का एक माहौल बना था, कांग्रेस एकजुट नजर आई थी और कांग्रेस कहीं ना कहीं भी चुनाव में लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो अब दोबारा से किस तरह से कांग्रेस नहीं, अभी तो कोई डिस्कशन चल रहा है और निर्णय हाईकमान को करना, उन्हीं पे छोड़ा, एक लाइन पे सबने कह दिया। लेकिन आप जरूर चाहते थे सबसे चर्चा करना, तो ये सिंगल सिंगल कर रहे हैं। चुनाव से पहले पहले कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं दावे कर रहे थे सरकार बनाने के लिए, अब हारने के बाद कांग्रेस इसी तरह से नहीं, निश्चित रूप से जो हार हुई है उस पर चिंतन करना चाहिए और गंभीरता से करना चाहिए। और लोग कर रहे हैं अपने अपने ढंग से, सब लोग कर रहे हैं कि वजह क्या रही।